का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी 12 बजे। अभी मैं हूँ कुरुक्षेत्र, मेरा जो फ्रेंड है उसका है पेपर, उसी के साथ मैं आया था। मेरा जो पेपर है वो कल हो चुका है पंचकूला में। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुरुक्षेत्र, हम खाने के लिए रुके हुए हैं। कुरुक्षेत्र में हम आए हैं अमृतसरी कुलचा नेचर पर, यहाँ पर स्पेशली कुलचे ही मिलते हैं। और कुलचे कौन कौन से वो भी मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए अमृतसरी कुलचा नेशन अस्सी तुस्सी ते लस्सी, अपोजिट श्रीमद भगवत गीता स्कूल, रेलवे रोड, कुरुक्षेत्र। और ये इनका मेन्यू है, यहाँ पर स्पेशली कुलचे ही मिलते हैं, मशरूम कुलचे, ऑनियन कुलचा। यहाँ पर हमने लिया मिक्स वेज कुलचा। तो इवनिंग का मेरा पेपर था कल पंचकूला में, तो मैं तो शाम को ही आ गया था। तो मेरे फ्रेंड का पेपर है तो इसी के साथ आया हूँ कुरुक्षेत्र। ये हमारा आ गया है वेज कुलचा, और ये छोले, और ये चटनी। ये शॉप आपको मिलेगी श्रीमद भगवत गीता स्कूल के सामने। आज संडे है और मार्केट का हाल कुछ ऐसा है। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 17 की फूड मार्केट में, और यहाँ पर अभी सभी दुकानें खाली क्योंकि संडे है आज। मैं दिखाता हूँ, मेरे बैक साइड में आप देखिए, ये सारे फूड कोर्ट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, और कुछ दुकानें अभी लगनी स्टार्ट हुई है। एक सामने अजीब सी चीज़ दिखी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, ओल्ड दिल्ली फूड ट्रक, ये भी बंद है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एमबीएच चाय वाला, एमबीएच चाय वाला। दोस्तों अभी हम आ गए हैं एमबीएच चाय वाले के पास, तो यहाँ पर पियेंगे चाय। दिखाइए, हम पहुंच चुके हैं एमबीएच चाय वाले के पास, और ये शॉप पड़ती है बीकानेर मिष्ठान भंडार के बिल्कुल अपोजिट, रेलवे रोड। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको एक बार मेन्यू दिखाता हूँ करीब से। तो यहाँ पर पियेंगे चाय, फिर चलेंगे सेंटर की ओर। सीटिंग भी दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छी सीटिंग है। दोस्तों हमने ऑर्डर किया है एमबीएस स्पेशल बनमस का और एमबीएस स्पेशल चाय, तो देखते हैं कितना दम है। और जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है 5 से 7 मिनट के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा ऑर्डर आ गया है, और ये हमारा बनमस का, ये दिखाते हैं आपको। ब्रांडिंग काफ़ी की हुई है, जिंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं, एमबीएस चाय वाला। ये इनकी साइड देखिए, करी हुई है क्या? नहीं, इनका फ्रेंचाइजी है सर ये। अच्छा, ये फ्रेंचाइजी है इनका, तो मेन का है बिस्लोरे फ्रॉम अहमदाबाद है, अहमदाबाद से है, बिल्कुल फॉर्म है जो बिस्लोरे से रहा है। ठीक है जी, इनका स्टार्टअप है, अहमदाबाद से स्टार्टिंग है, अहमदाबाद है जो गुजरात। ओके जी। फाइनली दोस्तों रणजीत तो जा चुके हैं अपने पेपर देने के लिए सेंटर के अंदर, और मैं आ गया हूँ पार्क में। और अभी इंडिया जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, तो वो एंजॉय करता हूँ। अभी दोस्तों 6:45 मिनट हो चुके हैं, हम करनाल पहुँच चुके हैं, और अभी हम जाएंगे घर की तरफ। रास्ते में हमें दुर्गा देवी मंदिर दिखा, बस स्टैंड के निकट ही है, तो चलिए मंदिर में दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। मंदिर बाहर से ही देखने में हमें काफ़ी भव्य लगा, तो इसलिए हम अंदर आ गए और भगवान के दर्शन भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कितना शानदार मंदिर है यहाँ पर। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें सामने ही काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिली। सबसे पहले हमें मूर्ति दिखी है हनुमान जी की, जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है। उनसे आगे की तरफ चलते ही हमें देखने को मिलते हैं सूर्य देव की मूर्ति। अब आपको एक बार मंदिर के अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे को घुमा कर। यहाँ पर देखिए आप, शानदार झूमर लटके हुए हैं, जितना बाहर से भव्य उतना ही अंदर से भी भव्य बनाया गया है ये मंदिर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं चंद्रदेव, यहाँ पर आपको नवग्रहों की मूर्ति, सप्त ऋषियों की मूर्ति,
नौ देवियों के रूपों की मूर्ति सब देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर मंगल देव की मूर्ति है। अभी हम आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण अवतार, राम अवतार और उसके बाद भगवान परशुराम अवतार, धर्म यहाँ पर श्री हरि विराजमान। अभी आप करेंगे भगवान विष्णु के अवतारों के दर्शन, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार आदि देखिए। और यहाँ पर आप देखिए पंडित हेतराम जी की गुफा, जो यहाँ पर पंडित जी थे ये उनकी गुफा है। और अर्धनारीश्वर की कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। करनाल के बस स्टैंड के काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति। यहाँ पर आपको तुलसी दिखेगी और इसके साथ ही दिखेगी माता ज्वाला जी की अखंड ज्योत, जो 24 घंटे यहाँ पर चलती रहती हैं। कांगड़ा माँ ज्वाला जी से यहाँ पर लाई गई हैं। फाइनली दोस्तों भगवान के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर, तो अभी चलेंगे घर। और आते टाइम हम ले आए थे गोलगप्पे और ये हमारी राशि खा रही है गोलगप्पे, ये हमारी मम्मी जी खिला रही है प्रांजल, ये रमन हमारे अंकल जी और ये नियति वो प्रिंस। दोस्तों कल के व्लॉग को मैं आज एंड कर रहा हूँ। तो कल हम गए हुए थे कुरुक्षेत्र, तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो मैं आते ही सो गया था क्योंकि दो दिन से थका हुआ था। पहले पंचकूला गया था, फिर कल कुरुक्षेत्र गया था। आज दोनों ही दिन अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, सारा दिन हम ट्रैवलिंग ही करते रहे। तो जो सिस्टम बनाया हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट ने बसेज का, वो काफ़ी अच्छा था। प्राइवेट बस भी फ्री चलाई हुई थी स्टूडेंट के लिए, और उसके साथ गवर्नमेंट बसेज भी थी, और उसी के साथ ही जो स्कूल कॉलेज की जो बस होती है प्राइवेट, उनको भी लिया हुआ था गवर्नमेंट ने, और सभी फ्री चलाई हुई थी। भीड़ भाड़ भी काफ़ी हो रखी थी लेकिन फिर भी काफ़ी सुविधा थी। इस बार गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया स्टूडेंट के लिए, जो सिस्टम चला था काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों इसी के साथ आज वाले इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।